हाई स्टूडेंट्स मैं सी सीजल ट्वेंटी ट्वेंटी टू टीयर वन ये सेकेंड दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है टोटल में ये हमारा पांचवा पेपर ब्रेक दी बढ़िया है सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं आपको बताता हूँ सर माली से कल को अरेंज मैरिज के बंधन में आप बंधने जा रहा हूँ यानी कि आप लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन दिखाई हो रही है अब में जो है घर के लोग कह रहे हैं फ्रॉम बोथ द साइड की काम करते हैं लड़का लड़की को अकेला छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम ताकि एक दूसरे से कुछ बात कर ऐसा ही हुआ आप दोनों अकेले हो गए अब ना आप बोल रहे हैं और ना आपका पार्टनर बोल रहा है कुछ कोई नहीं बोल रहा अब आप सोच रहे हैं कि लेट हर ब्रेक द आइस वो सोच रही लेट हिम ब्रेक द आइस कौन चुपी तोड़ेगा ब्रेक द आइस मतलब दुपी तोड़ना इनिशिएट कौन करेगा शुरुआत में कौन बोलेगा ब्रेक द आइस कभी कभी ऐसा ही होता है ना कि आप कुछ कह नहीं पा रहे होते हैं। तो वो फिर दूसरा व्यक्ति जो है ऐसे में कई बार जो लड़की की सहेलियां हैं वो हल्का सा इन, इनिशिएट करेंगी तो उन्होंने ब्रेक दिया आइस किया या आपके दोस्त में तो उन्होंने आपका कोई छोटा भाई हुआ तो उन्होंने इनिशिएट किया तो दैट बडी ब्रोक द आइस शुरुआत करना किसी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करना किसी कॉन्वर्सेशन की अक्सर ऐसा होता है कि किसी विषय पे बोलना हो तो ये होता है कि शुरुआत कोई कर दे शुरुआत कोई कर दे गोइंग टू ब्रेक कौन शुरू करेगा और शुरुआत हो जाएगी उसके बाद बारी बारी से लोग पार्टिसिपेट करते कहा होगा तो जब शुरुआत कोई कर देगा सर तो बाकी लोग जो है वो नर्वस नहीं बचेंगे ना तब वो सहज हो जाएंगे तो इनिशिएट करना स्टार्ट करना किसी चीज को और बाकियों को कम्फर्टेबल बना देना मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील कम्फर्टेबल यही होगा जैसे फील सैड क्यों करेंगे अनकंफर्टेबल नहीं करना सर मोड डिटैच नहीं सर वो तो डिटैच तो अटैच का उल्टा हो जाएगा मतलब अलग अलग से महसूस करना ही कंफर्टेबल करने के लिए होता है ना कि आप थोड़ा सा सहज महसूस करें